जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स, और मैं आपको आर्टिकल्स का हिस्ट्री बताने वाला हूँ। अर्थात जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं ए एन और द, ये आखिर आया कहाँ से, ठीक है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसको हम लोग बहुत ही गहराई से जानने वाले हैं, बहुत ही गहराई से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चूँकि मैं आज क्लियर बता रहा हूँ और आज मैं डीप में जाऊँगा, ठीक है। तो जो भी हैं वो अपना लाइक है वो कर लीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आर्टिकल्स जो है वो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनर्स होता क्या है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एफिक्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या होता है एफिक्स, तो हम इसको भी रोकते हैं, पहले एफिक्स को समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए एफिक्स जो है वो कि वर्ड के आगे या पीछे आ करके उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो उसे एफिक्स कहते हैं। अर्थात इसमें दो चीज़ आएगा, एक तो आएगा बिफोर यानी किसी भी वर्ड के पहले आएगा, और एक किसी भी वर्ड के बाद में आएगा, ठीक है। अर्थात जो पहले आएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेफिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रेफिक्स बोलते हैं। और जो बाद में आता है वर्ड के अंत में जो एड होता है उसको बोलते हैं सफिक्स, ठीक है, याद रहेगा प्रेफिक्स और सफिक्स। एफिक्स क्या है, तो किसी भी वर्ड के पहले या बाद में आकर के उसके रूप और अर्थ को परिवर्तन ला देता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग एस हो गया, ई डी हो गया, आई एन जी, यू एन, तो ये सभी क्या हैं, एफिक्स हैं, क्योंकि ये वर्ड के पहले आकर के इसके अर्थ को और रूप को बदल देते हैं, और यही जो है वो किसी भी वर्ड के अंत में भी आकर के इसका रूप और अर्थ को ये परिवर्तन ला देते हैं। तो इसके लिए है कि पहले जो, अब जो पहले जो आता है उसको प्रेफिक्स कहते हैं, और जो बाद में आता है उसको सफिक्स कहते हैं, ठीक है, यानी आफ्टर। अब जैसे कैसे, अब जैसे हम लोग एस एस लीजिए, एस से क्या, जैसे हम यहाँ पर लिए बॉय, अब बॉय में एस जब जुड़ता है तो क्या बन गया, बॉयज। तो इसका परिवर्तन हुआ कि नहीं, पहले क्या था बॉय, अब हो गया बॉयज, ठीक है। अब इसमें थोड़ा प्रेफिक्स में देख लेते हैं, जैसे अन 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 है, तो इसको अन प्लस वाइज क्या हो गया, अनवाइज, ठीक है, ठीक है। अब जैसे डिस, डिस प्लस ऑनेस्ट क्या हो गया, डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो ये पहले आकर के और बाद में आकर के जो इसके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम लोग एफिक्स कहते हैं। और एफिक्स जो होता है वो दो टाइप के कर सकते हैं, एक तो प्रीफिक्स और एक सफिक्स होता है। अब इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या है, जब इधर आर्टिकल के कहीं नाम निशान नहीं है तो आएगा, धीरे धीरे आएगा, आप सब रखिए। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो अफिक्स जो है वो किसी भी वर्ड के पहले आकर के या बाद में आकर के इसके अर्थ और रूप में परिवर्तन ला देता है। तो अब क्या, अब जैसे यहाँ पर जो लिए थे नाउन, नाम के जब अंत में जोड़े एस तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव में भी जो है, एडजेक्टिव में भी परिवर्तन होगा, ठीक है, आपका एडवर्ब में भी परिवर्तन होगा, है ना, और आपका वर्ब में भी परिवर्तन होगा। अब जैसे वर्ब हो गया आपका प्ले, अब प्ले में हम लोग ई डी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, प्लेड, ठीक है, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे प्ले में हम लोग एस जोड़ दिए तो क्या बन गया, प्लेज माना कि नहीं, है ना। तो अब क्वेश्चन उठता है, अब जैसे एडजेक्टिव यहाँ पर ले लिए, अब जैसे वर्ब भी अभी लिए, वर्ब का एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अब इसमें इज है, अब इसमें इज में एस जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इज इज, ये कहीं इसका कोई तो मीनिंग नहीं होता है डिक्शनरी में, कहीं ऐसा मीनिंग नहीं है या कभी ऐसा पढ़े नहीं है, ठीक है। तो कहने का अर्थ हो गया कि जो हम लोग एफिक्स जो पढ़ रहे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी वर्ड के अंत में या शुरू आ करके वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, ना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस पर क्या हुआ, नहीं पड़ा, इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो जो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, अब जिस पर पड़ता है, तो इसमें दो चीज़ और सीखना पड़ है, वो क्या है कि
जो हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार जो होता है वो सभी जो ग्रामरियंस है वो सभी वर्ड को 8 भागों में विभाजित किए हैं, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो आपको भी पता होगा। तो ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वर्ड्स को सिर्फ 2 भाग में बांटा गया है, और वो है फॉर्म क्लास और सेकेंड है आपका हो गया स्ट्रक्चर वर्ड। ठीक है, ये 2 वर्ड हैं, ये 2 वर्ड में बांटा गया है। ठीक है, ये 2 वर्ड जो है इसमें बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया इसको। ठीक है, अब फॉर्म क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड क्या होता है? तो फॉर्म क्लास जो अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, अर्थात इसके अंत में इसके अंत में या पहले भी जो आता है फिक्स जो जुड़ता है, तो इसमें जो परिवर्तन आ जाता है, जैसे इसमें ये क्या हो गया आपका फॉर्म क्लास हो गया। ठीक है, अब इसमें जब नहीं पड़ा इफेक्ट तो वो स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत आपका आता है डिटरमिनर्स। ठीक है, अब ये डिटरमिनर्स जो है, ठीक है, डिटरमिनर्स मतलब जिस पर अफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इसका अफेक्ट तो नहीं पड़ा। अब जैसे यहाँ पर ए ले लिए हैं तो क्या इस पर अफेक्ट पड़ेगा? इसके पहले यू एन जोड़ दे या इसके बाद एस जोड़ दे तो कोई अफेक्ट नहीं होगा, इस पर कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा? डिटरमिनर्स कहलाएगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत आएगा। तो डिटरमिनर्स के जो होते हैं इसके भी पार्ट्स होते हैं, और वो फर्स्ट है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल मतलब ए एन और द। अब आपको समझ में आया होगा कि आर्टिकल आया कैसे। तो जो वर्ड पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, जब एफिक्स पहले या बाद में जुटे और उस पर कोई अफेक्ट ही नहीं पड़े तो स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। अब स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत भी पार्ट है, डिटरमिनर्स है, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, अभी हम उधर नहीं जा रहे। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोगों को पढ़ना है तो ये है। ठीक है, आर्टिकल है ना, तो ये आर्टिकल अब आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल आखिर आया कैसे और कहाँ से आया। ठीक है, तो इतना जानने के बाद हम लोग को अब पता चला कि आर्टिकल जो है वो स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आता है, डिटरमिनर्स के अंतर्गत आता है। डिटरमिनर्स का ही ये क्या है, भाग है कि नहीं। अब चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल्स अब पढ़ना कैसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा इसको गहराई से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया और बहुत काफ़ी नॉलेज आपको मिला होगा उससे। तो अब आर्टिकल की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल जो इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना है वो इसमें जो है वो 2 चीज़ है, एक तो है ए और ए एन, और आर्टिकल को यानी अकॉर्डिंग टू फंक्शन के अनुसार जो है आर्टिकल को हम लोग 2 भाग में इसको बांटेंगे, ए एन और द। ए एन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट है ना, क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, और द को क्या बोलते हैं, डेफिनिट। ठीक है, अब ये डेफिनिट और इंडेफिनिट क्या होता है, ये इंडेफिनिट है क्या और ये डेफिनिट द को बोलते क्यों है? तो नाउन के पोजीशन को डेफिनिट और इंडेफिनिट बताने के लिए ही आर्टिकल आता है। मैंने क्या कहा, नाउन के पोजीशन को बताने के लिए ही, नाउन के पोजीशन को डेफिनिट और इंडेफिनिट बताने के लिए ही आर्टिकल आता है। अब जैसे अब समझिए इसको, बहुत ही अच्छे समझिए। चलिए यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसको बताइएगा। यह कुर्सी है, यह कुर्सी है, दिस इज चेयर। ठीक है, यह कुर्सी है, दिस इज चेयर, यह फर्स्ट हो गया। सेकंड मैंने इसको लिखा दिस इज अ चेयर। ठीक है, और थर्ड मैंने लिखा नन ऑफ दिज। ठीक है,
अच्छा बताना है कि तीनों में से सही कौन सा सही है, ऑप्शन सही कौन है। यह एक कुर्सी है, ठीक है, दिस इज चेयर, और सेकंड है दिस इज ए चेयर, थर्ड है नन ऑफ दिस। अगर आपको पता है तो अभी जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा सही ऑप्शन है। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो आप लोग 100% मारोगे इसमें, यही सही आपको दिखेगा। मैंने एक बच्चा से पूछा यह कुर्सी है इसका क्या होगा, छोटा बच्चा है उससे मैंने पूछा ये, तो बोला कि दिस इज चेयर, ठीक है। हमने कहा ठीक है, दिस इज ठीक है, सही है, लेकिन अभी वो बच्चा है तो उसको अब इसको बताएंगे कि ए लगाओ और ये नाउन के पहले ए आता है, वो भी ये समझ जाएगा, ठीक है, कि नाउन के पहले सर ये बताए हैं तो ये हम लोग लगाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो नाउन है इसका पोजीशन डेफिनेट है कि इनडेफिनिट है। अब ये बात हम उसको बताएंगे तो वो अभी समझेगा नहीं, ये समझ जाएगा कि नाउन के पहले आर्टिकल आता है, लेकिन नाउन के पहले आता है तो वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ये थोड़ी आएगा, ठीक है। तो अभी उसको डेफिनेट और इनडेफिनिट तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको समझिए बहुत ही गहराई से, ये गलत है, ये सही नहीं है। अब क्यों, मैंने आपको फर्स्ट कारण तो बता दिया कि नाउन के पहले जो है वो आर्टिकल आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका जो पोजीशन है ये चेयर है क्या, नाउन है, ठीक है, ये नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। अब इस ए के आने की वजह से मैंने क्या कहा कि डिटर्मिनेंस क्या है, तो डिटर्मिनेंस जो है वो नाउन के अराइवल का सूचक है। जहाँ आर्टिकल आया उसके बाद आप तुरंत समझ जाइए कि इसके बाद नाउन आना ही है, नाउन का अराइवल है सूचक है, ठीक है, अराइवल का सूचक है आर्टिकल। अब अगर यहाँ पर आर्टिकल हमने यहाँ पर लिखा तो इसका मतलब जरूर है कि इसके बाद जो है वो नाउन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चेयर, अब चेयर का इसमें क्या पोजीशन है, डेफिनेट है इनडेफिनिट है, तो दिस इज अ चेयर, मैंने पूछा दिस इज अ मार्कर। अब मैं डेफिनेट नहीं हूँ, अगर मैं डेफिनेट होता, ठीक है, तो डेफिनेट होता तो दिस इज ए मार्कर नहीं बोलता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसका पोजीशन जो है वो इनडेफिनिट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाउन का पोजीशन बताता है कि वो डेफिनेट है कि इनडेफिनिट है, तो यहाँ पर जो है ये नाउन वो इनडेफिनिट है, ठीक है। अब जैसे और अच्छे से इसको समझिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि दैट इज अ बॉय, अब सामने वो लड़का बैठा है, क्योंकि वह एक लड़का है, अब कन्फर्म नहीं कोई लड़का है कि लड़की हो है, कोई पता नहीं है, ठीक है। तो मतलब हम क्या थे, इनडेफिनिट थे, है कि नहीं। यहाँ भी हमें इनडेफिनिट है कि दिस इज चेयर, अब कोई आपसे पूछ रहा है कि ये जो है चेयर है, डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है, तो ये डेफिनिट होते थे दांत, ठीक है। समझिए आप इसको बहुत ही गहराई से समझिए। तो मैंने इसको क्या बताया, दो ही चीज़ तो है, तो नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा, सेकेंड बात जो है वो नाउन की पोजीशन को डेफिनेट और इनडेफिनेट बताने के लिए ही आर्टिकल आता है, ठीक है। ये दो बात आप थोड़ा गहराई से समझिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। अब यहाँ पर और भी बच्चे पूछेंगे कि सर आपने यहाँ पर एक है ये नहीं है तो एक यहाँ पर क्यों लगा दिए, तो ये भी आप जान लीजिए कि नाउन जो है, ठीक है, एक कैसा है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तो ए ही नहीं आएगा, और ए जो है और ए एन जो है, मैं आपको बता दूँ नॉलेज के लिए, ये जो एडजेक्टिव वन है ना, वो एनी वन, इसी का वीक फॉर्म है ए और
ए एन, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा नाम है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए आता है, लेकिन एक गलत है, नाम के पहले आर्टिकल आता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब ये द जो है, अब द जो है वो दिस और दैट का जो है वीक फॉर्म है द, और इसको कभी कभी दी भी पढ़ते हैं, वो कब पढ़ते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ए को कभी कभी अ पढ़ते हैं तो कभी ए पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं ए एन को, तो कभी अन पढ़ते हैं अन, ठीक है। अन कब पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन, चलिए इसको और अच्छे से जानते हैं। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक और दो एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। चलिए, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, ठीक है, डेफिनेट नहीं है, एक राजा था, था भी कि नहीं था, डेफिनेट नहीं है, क्या है, इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट है तो यहाँ पर ए एन आएगा, या तो ए आएगा या तो एन आएगा, अब आएगा किसके पहले, तो नाम के पहले आएगा, तो यहाँ पर किंग क्या है, नाम है और नाम के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल आया, सिंपल है। उसके बाद द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का सोना सस्ता है, क्या है, डेफिनेट है कि वहाँ का जो सोना होता है वो सस्ता ही ना होता है, तो डेफिनेट है, तो द आएगा, द आएगा किसके पहले आएगा, नाम के पहले आएगा, गोल्ड क्या है, नाम है कि नहीं, मटेरियल नाम है ना, ये समझ में आ गया। और आगे अब चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ नीचे है आयशा अबेगर, मैंने एक भिखारी को देखा, द वुमन हु इज सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल, आयशा अबेगर, मैंने एक भिखारी को देखा, डेफिनेट नहीं है कि वो भिखारी कौन था, द वुमन सिटिंग देयर इज ब्यूटीफुल, डेफिनेट है कि जो औरत जो है वो बहुत सुंदर है जो वहाँ बैठी है, डेफिनेट है, डेफिनेट है, तो दैट ऐसा है बेगर, मैंने एक भिखारी को देखा, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, तो ए एन है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, अब इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए, आर्टिकल ए, ए एन और द, वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ए का वीक फॉर्म अ पढ़ेंगे, वीक फॉर्म अ होता है, अब का कब अ पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस जल्दी से आप रजिस्टर लगा दीजिए, ठेपा लाइक कीजिए, ये ठेपा भी है ना, इसका भी मीनिंग अब बदल गया है, पहले ठेंगा दिखाते थे तो धोखा देने के लिए होता था, लेकिन अब आप ये दिखाइएगा, अब इसका भी पॉजिटिव सेंस में यूज होने लगा है, ठीक है। अब अ है इसका वीक फॉर्म, अब जल्दी से लाइक करो, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, ये जो इंग्लिश ग्रामर का जो अब क्लास होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और मैं आपको बताता कि जो भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ग्रामर में जो भी टॉपिक समझ में नहीं आए, आप एक बार कमेंट करके तो देखो, हम उसका वीडियो तुरंत अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लो। तो इसका जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है वो क्या है, ए, ठीक है। उसके बाद एन, वीक फॉर्म अन और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एन, ओके। नेक्स्ट द, इसको द पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं, ठीक है, कब पढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म है इसका दी, ठीक है, दी। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको पढ़ेंगे कब, सर इसको पढ़ेंगे कब, देखो इसको तब पढ़ना जब आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो या आप इंग्लिश में स्पीच दे रहे हो, तो आप इस वीक फॉर्म का यूज यानी ए का आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म का जो बात करें
तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है किसी भी वर्ड पर नहीं, नाम पर जोर देने के लिए ए को ए पढ़ेंगे, ए को ए, एन को एन और द को दी। जब आप जोर दे रहे हो तब ठीक है। अब इसमें है कि आप तो इंग्लिश में बात करोगे या स्पीच दोगे तो इसको क्या वीक फॉर्म का यूज़ करना है, ए को अब पढ़ना है, एन को अन पढ़ना है और द को दी पढ़ना है। अब क्वेश्चन होता है कि द कब पढ़े और दी कब पढ़े। द तब पढ़ेंगे जब वर्ड यानी द जो है द के बाद जो वर्ड आएगा अगर वो वर्ड जो है अब वो वर्ड नाउन हो तो कोई भी वर्ड हो ठीक है, अगर वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा हो तो उसके पहले द पढ़ेंगे। समझो अगर कोई वर्ड का स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट है तो द, और अगर किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग वर्ड्स वोवेल हो तो उसको दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी। आप जैसे यहाँ पर लिख देते हैं एप्पल, अब एप्पल के पहले क्या स्टार्टिंग लेटर क्या है, ए। ए क्या है, वोवेल है, इसको पढ़ेंगे दी एप्पल ठीक है। हमने यहाँ पर लिख दिया बुक, अब बी क्या है स्टार्टिंग लेटर, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो इसको क्या पढ़ेंगे, द बुक ठीक है। कभी कभी गलती हो जाएगा लेकिन गलती नहीं करना है, कभी कभी बोला जाए हमसे बोला जाए तो मैं पहले कह देता हूँ कि अगर बोला जाए तो माफ़ कीजिएगा ठीक है। तो द और दी ये समझ में आए। अब इसका विशेष जोर जब देना पड़ता है होता है तब इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग ए एन और द का पोजीशन क्या है ठीक है, और उसके बाद हम लोग यूज देखेंगे। पोजीशन देखने से पहले थोड़ा इस पर नज़र डाल लेते हैं यूज पर ठीक है, इसका यूज करना कैसे है, पोजीशन भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता न करने, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि यूज करते कैसे हैं ठीक है। कब ए आएगा, कब एन आएगा, कब द आएगा, द को तो ये बात छोड़िए, ए एन को देखते हैं ठीक है, इसको जानते हैं ठीक है। यूज ऑफ ए एंड ए एन ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सबसे पहले यहाँ पर वर्ड, अब ये वर्ड पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, चलिए इसको जानते हैं। हम क्या करते हैं, वर्ड को दो भाग बांटते हैं, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड, फर्स्ट साउंड, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा समझिएगा ठीक है। अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो और लाइक भी जल्दी कर लो ठीक है, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर किया करो। चलो तो फर्स्ट लेटर और फर्स्ट साउंड, बस इसी का तो खेल है। अब खेल क्या है, चलिए अब खेलते हैं इसको बढ़िया से। तो खेल ये है कि फर्स्ट लेटर, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर पर डिपेंड नहीं करेगा, फर्स्ट साउंड पर डिपेंड करेगा। कैसे, देखिए अगर कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है ठीक है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उसका उस वर्ड का उस लेटर का फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन जो है साउंड जो है वो आ भी है कॉन्सोनेंट ठीक है, वो भी क्या है कॉन्सोनेंट है। समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कैट ठीक है, फर्स्ट लेटर इसका क्या है, सी, क्या है सी, सी क्या है कॉन्सोनेंट है ना, सी क्या है कॉन्सोनेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा इसको जान लीजिए, अल्फ़ाबेट में जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में
26 लेटर्स हैं, ठीक है, और इस 26 लेटर का 44 साउंड है, ठीक है, जिसमें 20 वोवेल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। इसको हम बाद में देखेंगे ये थोड़ा सा, अब इसको तो इस 26 में जो है वो 5 जो है वो वोवेल है और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है। 5 जो है वो वोवेल लेटर है और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन ये गलत है। ये जो लेटर नहीं है, ठीक है, ये जो 5 जो आप वोवेल कर रहे हो ये लेटर नहीं है, ये है साउंड, वोवेल साउंड है, ठीक है। जैसे ए ई आई ओ और यू, ये तो आप जानते ही हो, ये लेटर नहीं है, ये साउंड है, ठीक है। और 21 बी सी डी ई नहीं, एफ जी एच, ये पांचों को छोड़ करके बाकी जो ए सी डी में आता है वो सभी कॉन्सोनेंट है और उसमें सेमी वोवेल भी होता है, ठीक है। तो ये 5 क्या है, वोवेल है और वो 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है, लेकिन लेटर नहीं है, क्या है, साउंड है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस 26 लेटर का 44 साउंड है, 20 वोवेल है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। अगर ये देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसका लेटर क्या है, सी है, और सी है क्या, फर्स्ट लेटर क्या है, सी। इसका साउंड भी क्या है, साउंड इसका क्या है, साउंड भी कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पर बोलते हैं कैट, कैट। इसका फर्स्ट लेटर देखना रहता है ना कि इसका, ठीक है, वर्ड का फर्स्ट लेटर नहीं, गलत है। प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर देखिए कि है क्या, इसका जो फर्स्ट लेटर साउंड जो है, इस वर्ड का जो फर्स्ट साउंड जो है वो है क्या, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए देना है। इसका जो फर्स्ट साउंड जो है इस वर्ड का वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले ए ठोक देना, ठीक है, दमाक मून करके ए भर देना, ठीक है। आगे अब किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो वोवेल हो, क्या हो, वोवेल। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहे हैं, अब जैसे हम यहाँ पर लिख दिए यूनियन, ठीक है, यूनियन, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल है, ठीक है। और इस फर्स्ट जो वर्ड है, इस वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है उसका जो साउंड जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल फर्स्ट लेटर हो और इस फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट है। तो जब ऐसा हो तब भी आपको ए लगाना है, ठीक है, तब भी आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। अब आप इसको देख लीजिए, यूनियन, यूनियन, इसका फर्स्ट लेटर देखिए यह है ना, आपको पता होगा हिंदी व्यंजन में यानी क ख ग घ, क ख ग घ में आ है, तो ये सभी जो व्यंजन है वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट है तो ए भराएगा। इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके अंतर्गत आएगा, हिंदी व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है, तो इसमें क्या भरेंगे, ए भरेंगे, यहाँ भी ए भर देंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट लेटर है वोवेल, तो यहाँ पर ए एन मत भर देना, ये गलत हो जाएगा। इसका फर्स्ट साउंड क्या है, इस लेटर का फर्स्ट लेटर का साउंड क्या है, फर्स्ट साउंड, इसका फर्स्ट साउंड देखिए यह, और यह हिंदी व्यंजन में आप कक में देख सकते हैं, इसमें आता है, तो ए भराएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, ये दो बातें आपको
दिमाग में बैठ गया होगा। थर्ड, तीसरी बात यह है कि अगर कोई वर्ड का फर्स्ट लेटर भवेल हो, ठीक है, क्या भवेल, और उसका उस वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है उसका साउंड जो है वो भी भवेल है, तब क्या भराएगा? तब आप आंख मूंद करके क्या भरोगे देख लो। अब यहाँ पर मैंने लिखा ओनियन, ठीक है। अब इस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है? ओ है, और ओ है क्या? भावेल है ना, ये क्या है? भावेल है, ये तो भावेल है, लेकिन इसका पहले उच्चारण तो करके देखिए कि भावेल आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया? ओनियन, ओनियन, ठीक है, ओनियन। इसका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट साउंड जो है वो क्या है? अ है, और हिंदी स्वर में, हिंदी स्वर में अ आ ई जो होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत यदि आ जाए, इसमें से कोई भी एक साउंड आ जाए, कोई भी आ जाए, तो सब भवेल है, ठीक है। तो सभी क्या है? भवेल है, और जब भवेल है तो ए एन भराएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। तो इसका, इस वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है इसका फर्स्ट साउंड क्या है? भवेल है। तो भवेल हो और उसका साउंड भी फर्स्ट भवेल हो, तो आराम से यहाँ आँख मूंद करके ए एन भर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत अभी आएगा। एक बात और याद रखना है, वो क्या है? वो भी आप देखिए, एक बात और है कि अगर कोई वर्ड है, ठीक है, और वो कॉन्सोनेंट से शुरू है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका फर्स्ट साउंड जो है वो भवेल है, तब क्या भरें? अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर है ऑनेस्ट मैन, इसका फर्स्ट लेटर देखिए आप एच है, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, तो ए भराएगा, लेकिन ये गलत है। आप लेटर को मत ना देखो, आप इसको देखो ना कि इसका उच्चारण क्या है और उच्चारण का फर्स्ट लेटर क्या है। तो इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। तो मैन से हमको क्या लेना देना है? इसका फर्स्ट साउंड से लेना देना है हमको अ भी आ गया, अ क्या है? भवेल है, तो भवेल है तो सिंपल सा ए एन भरा जाएगा, तो इसके पहले क्या भरा जाएगा? ए एन भरा जाएगा, यानी एन ऑनेस्ट मैन। ये बात आपको समझ में है? चार ही बात तो इसमें बताया गया है, और वो भी इम्पोर्टेंट बात है। ये चारों को अगर आपके दिमाग में घुस गया है तो आर्टिकल में अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तो इसको हम मिटाते नहीं हैं, ठीक है। अब इसको देख करके थोड़ा बताइएगा कि इसमें भराएगा क्या, ठीक है। ये आपका हो गया आर्टिकल का संजीवनी बूटी का सत्य, ठीक है। तो ये चार, अब यहाँ पर लिखे हैं हॉर्स, यहाँ पर लिखे हैं आवर, यहाँ पर लिखे हैं यूनिवर्सिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, हमने यहाँ पर लिख दिया एंट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या भराएगा, इसको पहले आप प्रोनाउंस कीजिए, क्या हुआ? हॉर्स। अगर आपको दिक्कत होता है तो डिक्शनरी में आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, ठीक है, हॉर्स, फ
फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ह, और ह आता किस में है, क ख ग घ में आता है, तो क ख ग घ में जो भी आएगा वो सबके सब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, सबके सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो ये भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एच ओ यू आर, हावर, गलत है, आवर पढ़ते हैं, आवर, इसका फर्स्ट आ ई में आया है, आ ई में आया तो क्या होता है, वोवेल साउंड होता है, तो वोवेल होता है, तो वोवेल होता है, तो ए एन भराएगा, तो इसमें क्या भरा जाएगा, ए एन, यानी यहाँ क्या बनेगा, एन आवर, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, इसका उच्चारित करते हैं तो यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, इसका फर्स्ट देखिए यह किस में आता है, कख घ में आता है, कख घ में आया तो कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट है तो ये भराएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एलिफेंट, एलिफेंट, अब एलिफेंट इसका फर्स्ट ए किस में आता है, अ आई में आता है, अ आई में आया तो वो क्या होता है, भवेल, ये क्या है, भवेल, तो भवेल है तो क्या भराएगा, ए एन भराएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एन। अब यहाँ पर क्या है, एंट, ठीक है, एंट, एंट की अंट, एंट की अंट, आप कमेंट करके जरूर बताना, फर्स्ट लेटर ए, इसको देख लेना शायद अंट हो तो आप देख लेना, ठीक है, तो क्या आया, फर्स्ट भवेल, तो भवेल आया तो ए एन, ठीक है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ए एन। इतना अच्छा से पढ़ने के बाद भी अगर समझ में ना आए तो इससे ये तरीका से और कहीं भी पढ़ाई नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, वो सब पढ़ाएगा लेटर, देखो फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल है तो ए भरो, सॉरी वोवेल है तो एन भरो, कॉन्सोनेंट है तो ए भरो, ये सब बताया जाता है, इतना अगर ऐसे आपको बताया नहीं जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा वो और भी मज़ेदार होगा, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा और भी मज़ेदार होगा, इसमें जो देखेंगे कि साउंड जो है 20 जो साउंड है, 24 जो कॉन्सोनेंट साउंड है, उस पर चर्चा होगी, ये 20 साउंड है क्या, कौन कौन है ये 20 साउंड, कौन कौन है ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करना कि सर नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल कराओ, ठीक है, तो मैं आपको जरूर वो वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन आपका एक्सप्रेशन कैसा है, फीलिंग कैसा लगा कैसा वीडियो, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर, नए उमंग के साथ, और बहुत ही और गहराई से जानेंगे।